गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं इधर रात में ही रहा था और इधर आगे जाने वाला हूँ। हेलो ब्रदर, छोड़ देंगे? ओके ओके, थैंक यू। अभी फर्स्ट टिप मिला है से दिल्ली जाने के लिए आया था, तो मैं इधर भोपाल से थोड़ा आगे से पैदल आ रहा था यहाँ तक। तो मुझको एक ऑटो वाला भाई ने हेल्प किया, आगे तक छोड़ देंगे बोल के। तो कैसे लगा भाई आपको कि इसको हेल्प करना चाहिए? आप चल रहे हो, आपको और इतना ही है? ठीक है भाई ने, अच्छा आदमी है, सब एक दिशा वाला भाई ने मुझको इतना हेल्प किया, तो और सब ने भी बहुत लोग ने हेल्प किया है, तो भाई को भी थैंक यू सो मच भाई हेल्प करने के लिए। आगे देखते हैं कैसा होता है, आज बहुत थक गया था, थका था, भाई ने दे दिया लिफ्ट, थैंक यू सो मच। अब आगे जाके देखते हैं जाते हैं। ओके तो भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और आप क्या सेल्स करते हो क्या? हाँ, हम सेल करते हैं, लेकर आते हैं। तो कैसा लगा मुझसे लगा? एक नंबर आपका फोटो है ना, आपका जो ट्रेकिंग है बहुत अच्छा है, मुझको बहुत पसंद आया। मैं जैसे लोगों को देखता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, ज्यादा कुछ देखता है। थैंक यू सो मच इसे हेल्प करने के लिए। आपका फोटो बहुत बढ़िया है, आप ऐसे ही मेहनत करिए। आई होप आपकी नेक्स्ट जो है आप पहुँचेंगे तो हम यहाँ से इधर भी पहुँच जाएंगे। ये तो यार बात ही अलग है। इंडिया है, इंडिया में हेल्प लोग बहुत हैं। हाँ, हेल्प आना बहुत है, और पूरे मेरे घर के भी थोड़ा मुश्किल पैदा होता है। 10 अच्छे है तो एक पूरे है, तो वो 10 तो जीता है ना, एक पूरे है ना। बुरा मत देखिए, आपसे भी बहुत है, आ जाइए घूमने के लिए नेपाल से। नेपाल से ही घूमने के लिए आया हूँ, अभी तक मस्त चल रहा है, बहुत लोगों ने हेल्प किया है, तो भाई ने भी हेल्प किया है, थैंक यू सो मच भाई। हेलो ब्रदर, हेलो, कैसा लग रहा है? बस बढ़िया, एक नंबर मस्त, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? मुझको वहाँ से आपने ड्रॉप करके यहाँ तक छोड़ दिया है, थैंक यू सो मच यहाँ ड्रॉप करने के लिए। और इधर दूसरा ब्रदर है, हेलो, ब्रदर ने मेरे को यहाँ से आगे उस ब्रदर ने ले जाएंगे, यहाँ तक इस ब्रदर ने छोड़ दिया है। दोनों को थैंक यू सो मच, ऐसे हेल्प मिलेंगे तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा अपना डेस्टिनेशन तक। और थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझको हेल्प किया। ओके बाय। ओके अब हम दोनों आगे जाएंगे। ओके अब भाइयों को मैं आगे छोड़ूंगा, आगे डेस्टिनेशन में लेके जाता हूं। ओके हेलो ब्रदर, कैसे हो? मैं वही ठीक हूँ, बिल्कुल, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से यहाँ तक मुझे थैंक यू सो मच। और आप जैसे लोग आगे भी मिले तो मुझको बहुत हेल्प होगा। और आपको कैसा लगा है मुझसे मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से आपका जो डेस्टिनेशन रहे वो बहुत अच्छा रहे, सफल रहे, और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच ब्रदर। कैसा लग रहा है भाई? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, आपकी यात्रा सफल हो। और
आज तो मैं इधर रास्ता मिस्टेक होके ओके हूँ या क्या हो गया, आज मैं पूरा जंगल के बीच पे हूँ। इधर उतना घर भी नहीं दिख रहा है, पूरा जंगल है। अब आगे जाके देखना पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा रहने के लिए। आज तो बहुत पैदल चल लिया है, बहुत थक गए हैं अभी तक में। अभी 20 किलोमीटर और बाकी है आगे गांव पहुंचने के लिए, देखते हैं कब पहुंचेंगे। रास्ता भी पूरा स्ट्रेट है, पूरा स्ट्रेट है अभी तक रास्ता। अब मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे गांव कैसा है पता भी नहीं है। जा रहा हूँ बस ऊपर वाले के नाम पे। ये हमारा भाई साहब, यहाँ का हमारा रहने वाला परिवार बोलते हैं ना, यहाँ का सब लोग मिलके रहने वाला। और मैं आज यहाँ कौन सा जगह है, सरवण के मंदिर में आ गया हूँ यहाँ रहने के लिए। तो मैं उधर पहले दूसरा जगह पे रहने के लिए सोच रहा था, लेकिन उधर प्रॉब्लम होने की वजह से मैं यहाँ आ गया हूँ। तो सबसे मिलके अच्छा लगा, खुशी लगा, क्योंकि सब लोगों ने मेरे को हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो इससे ज्यादा खुशी की बात तो कुछ नहीं होता यार, बहुत खुशी लगा क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इधर आके भी ऐसा सपोर्ट मिलेगा, है ना। मैं तो नेपाल का बंदा हूँ ना, तो ऐसा होगा ऐसा सोचा नहीं था, जैसा सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो आगे का सफर भी ऐसे हो तो अच्छा लगेगा। यहाँ तक तो मैं ऐसे आ गया, अच्छा तरीके से आ गया। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप छोटू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लग रहा है। तो सबको मैं जब केदारनाथ पहुंचूंगा तब सबके लिए दुआ मांगूंगा कि सबको अच्छा हो, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।